हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि मेरे होठों पर कुछ हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल भी है। ये छोटा छोटा दाना हो जाता है होठों पर, इसे मकड़ा घाव भी कहते हैं और इसे कोल्ड सोर भी कहते हैं। ये होठों के आसपास ही होता है और ये छोटा छोटा दाना होता है जिसमें कि पानी भर जाता है। इसका मैं रामबाण इलाज बताने वाली हूँ। अगर आपको ऐसा कुछ हो, ये बहुत भयानक है, ऐसा हो नहीं, पर अगर ऐसा कुछ हो तो ज़रूर आप इस नुस्खे को ट्राई करें। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, इसे कोचड़ खली बोलते हैं, कई सारी जगह इसे कचड़ा खली भी बोलते हैं, और ये आपको किसी भी दुकान में मिल जाएगा। राशन के दुकान में आप जाएं और बोले मुझे कोचड़ खली दे, जिससे मकड़ा का घाव ठीक होता है। अगर वो ना समझे तो ये भी बोले। तो चलिए इसका कैसे यूज़ करते हैं वो दिखाते हैं। ये मैंने गैस पर रखा है, इस जाली पर, कचड़ा खली के टुकड़े को। अब देखिए, हम गैस ऑन कर देंगे और इसे थोड़ा जलने देंगे जब तक इसमें से फ्यूम ना निकले, स्मोक ना आए। ये देखिए ये कैसे जलने लगा है। ये हमने गैस ऑफ कर दिया और इसे किसी कप में डाल लें। ये देखिए, और इसमें से कैसे धुआं आ रहा है। इस धुएं को तुरंत अपने होठों के पास लाएं। इसमें से कैसे धुआं निकल रहा है। इससे बिल्कुल ऐसे सेके, थोड़ी सी तकलीफ होगी पर इसका 2 से 3 बार सेवन करने से आपका एकदम भी ठीक हो जाएगा। और आप लोगों को बहुत ही राहत मिलेगी इस मकड़े के घाव से। इसके धुएं से 2 दिन में आपका मकड़ा घाव या फिर कोल्ड सोर जो भी है, ये तुरंत ही समाप्त हो जाएगा। ये कोचड़ खली के धुएं से आपको सेक करना है। इससे जितना सेक करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा करेगा, जब तक ये रहे आपके होठों पर। आप इसका सेक 2-3 बार ज़रूर करें। ये देखिए, मैंने कल आप लोगों को अपने होठों को दिखाया था और कल ये थोड़ा सूजा हुआ था, और आज मेरे होठों की कंडीशन देखिए, इसमें बहुत ही राहत हुई है उस कोचड़ खली के धुएं का सेक करके। इस इन्फेक्शन को अब आप लोगों को अपने होठों पर बर्दाश्त नहीं करना है। ये इस बीमारी का, इस घाव का रामबाण इलाज है, नुस्खा है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको इससे ज़रूर राहत मिलेगी। और प्लीज़ कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो इसी के साथ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।